हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखा था, सेकंड वीडियो में उस पर हमने बेस्ट क्वेश्चंस किया, थर्ड वीडियो में हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये हो गया थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये हमको देख के समझ में आ रहा है, बोथ आर पॉजिटिव। इन दिस क्वाड्रेंट बोथ परपेंडिकुलर एंड बेस आर पॉजिटिव, देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हमेशा 0 डिग्री के विथ रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। इन दिस क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव एंड बेस इज नेगेटिव। ठीक है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है एंड बेस नेगेटिव है, तो इसमें वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जिसमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो, सिर्फ यही दोनों इन्वॉल्व हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो मतलब साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थीटा है, ये हो गया ये परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर इज नेगेटिव एंड बेस इज आल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, देयरफॉर अब वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो वो सबके सब हो जाएंगे पॉजिटिव। मीन्स टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा बोथ आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव हैं।
ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, ठीक है। परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो मतलब कौन कौन से नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मतलब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव हो गया, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, कंबाइन करके अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। आई बात समझ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव। इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, इसमें a का मतलब हो गया ऑल, s का मतलब हो गया साइन, T का मतलब हो गया tan एंड C का मतलब हो गया cos। देखो जब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट लेटर S sin थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, sin मतलब उसका रेसिप्रोकल भी साथ में आ गया, थर्ड का टी टैन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, फोर्थ का सी कॉस थीटा और सेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से जो कन्वर्जन फॉर्म थे ये हो गए, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है, क्वाड्रेंट वाइज हमारे पास किस तरीके से सब चीजें दी हुई है, क्वाड्रेंट वाइज इनको हमने कैसे लिखा है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके साथ अब हम लिखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिंपल साइन थीटा जीरो प्लस थीटा यही हो जाएगा। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट से, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि एंगल हमेशा एक्यूट बनना चाहिए, मतलब थीटा इज द एक्यूट एंगल, बट एंगल का मेजरमेंट कहां से होगा, जीरो से होगा, जीरो से यहां तक, अगर टोटल एंगल 180 है, ये वाला एंगल थीटा है, तो जीरो से लेकर यहां तक क्या बना, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन हो गया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन थीटा, सेकेंड हो गया cos of 180 माइनस थीटा,
कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट होता है माइनस, थर्ड बन गया टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा बन गया प्लस कोसेक थीटा. व्हाई? बिकॉज साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. फिफ्थ नंबर, सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, ये बन गया हमारा माइनस सेक थीटा. सिक्स नंबर, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, ये हमारा बन गया माइनस कॉट थीटा. ठीक है, तो यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा कन्वर्जन करना है वो देखा है. यहां से यहां तक एक्चुअली तो हमारे पास 180 माइनस थीटा ही रहेगा, जैसे साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 120 को लिखेंगे 180 माइनस 60. तो साइन 180 माइनस 60 क्या बन गया? साइन 60. कॉस 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, बन जाएगा माइनस कॉस 60 एंड सो ऑन. इस तरीके से करके हमारा ये कन्वर्जन हो गया. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. ये है थीटा, तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितना बन गया? 180 प्लस थीटा. ठीक है, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है. टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस थीटा. तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा सभी हो गए. अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो टेन और कॉट को मैंने पॉजिटिव कर दिया, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव. ठीक है, तो टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस टेन थीटा, टेन कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा, बाकी साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक वाली वैल्यू माइनस कोसेक, सेक वाली वैल्यू माइनस सेक. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन. ठीक है, आगे एक बार समझ में, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. ये एंगल हो गया थीटा, टोटल कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री, तो कितना बन गया? ये बन गया 360 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? कॉस और सेक, तो बाकी सब नेगेटिव. कॉस 360 माइनस थीटा बन जाएगा प्लस कॉस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा हो गया माइनस टैन थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा बन गया माइनस कोसेक थीटा, सेक 360 माइनस थीटा बन गया प्लस सेक थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा बन गया माइनस कॉट थीटा. ठीक है, अच्छा एक और बात है, 360 डिग्री को जीरो डिग्री भी हम कह सकते हैं. ठीक है, 360 डिग्री या जीरो डिग्री मतलब तो सेम ही है. ठीक है, 360 डिग्री या जीरो डिग्री दोनों का मीनिंग तो एक ही है, तो मतलब अगले इसमें हम इसको 360 डिग्री को मैं अगर 0 डिग्री से रिप्लेस कर दूं तो हमारा नेगेटिव एंगल फॉर्म भी आ जाएगा. ठीक है, मतलब क्या फॉर्म आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? एंड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट की इस प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब क्या क्या बन गया?
हमारे पास बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो मतलब वो माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा दोनों का मीनिंग हमारा सेम। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हो गया हमारा पूरा कन्वर्जन फॉर्म। ठीक है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब में हमने कन्वर्ट करके देख लिया। अभी एक और था, टेंथ क्लास में तुम लोगों ने टेबल पढ़ा होगा 0, 30, 45, 60, 90, उन सब की वैल्यूज भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इधर साइड में हमारे पास थीटा। तो फर्स्ट नंबर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा 0 degree, 30 degree, 45 degree degree and 90 degree। तो ये बनता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर कॉस में उसी का रिवर्स हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर बन गया 0, 1/√3, 1√3 एंड 0। सॉरी, टैन इसी का रेशियो हो गया ना, ये बन गया इन्फिनिटी। नेक्स्ट कोसेक, सेक का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, 1। फिर बना 1, 2/√3, √2, 2, infinity। फिर cot क्या होगा, tan का रिवर्स हो जाएगा infinity √3, 1, 1/√3, 0। ठीक है, तो ये सब के सब जो चीजें हैं, ये सब की सब जो वैल्यूज है, ये आप सब स्टूडेंट ने 10th क्लास में इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 का। ठीक है, अब हम दोनों एक्सरसाइज पे बेस्ड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे cos x दिया है 1/√2 एंड x दिया हुआ है फोर्थ क्वार्टर।
ठीक है, cos x दिया है 1 by root 2, x दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो बाकी हमको sin x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, cos x अगर 1 by root 2 है मतलब acute angle के फॉर्म में x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, तो मतलब सिंस x belongs to fourth quadrant, cos x equal to cos of 360 minus x equal to 1 by root 2, sin of 360 minus x equal to minus sin x मतलब minus 1 by root 2, ठीक है, यही हो गया, मैंने अभी कन्वर्जन फॉर्म बताया हुआ था उसी के हिसाब से लिखा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा बनता है, साइन की वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो बन गया माइनस वन बाय रूट। ठीक है, नेक्स्ट है टेन एक्स इक्वल टू 3/4, फाइंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, x belongs to first quadrant, right angle triangle बना लो, ज़्यादा easy पड़ता है। ये हो गया x, perpendicular upon base है, ये हो गया 3, तीसरी side हो गई, using Pythagoras theorem, तीसरी side हो गई 5। तो x अगर first quadrant में है, तो sin x क्या बन गया 3/5 and cos x क्या बन गया 4/5, ठीक है? sin x हो गया 3/5 perpendicular upon hypotenuse, cos x हो गया base upon hypotenuse 4/5। यहां मैंने first quadrant and fourth quadrant में ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि tan positive first और third quadrant में tan की value positive होती है। ठीक है, next अगर इसको मैं third quadrant में लेता हूं तो क्या होगा, when x belongs to third quadrant, third quadrant का डायग्राम हमने बनाया हुआ था, three, four, five, ठीक है, but third quadrant में होने की वजह से ये भी हो गया minus और ये भी हो गया minus, क्योंकि third quadrant में x और y दोनों नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बन गया x, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बना, tan 180 plus x equal to 3/4, therefore sin 180 plus x equal to minus sin x equal to minus 3/5, हो गया, cos 180 plus x equal to minus cos x equal to minus 4/5, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम थर्ड क्वार्टर में लिख सकते हैं, मतलब sin x की ओवरऑल कंबाइंड वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 3/5, एंड cos की वैल्यू भी हो गई प्लस माइनस 4/5। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद करना बिल्कुल आसान है, क्वाड्रेंट वाइज आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, बस इसके हिसाब से ध्यान में रखो, क्वाड्रेंट दे दिया मतलब उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको देख के हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू दी हुई है 5/13, तो हम एक काम करते हैं पॉजिटिव के हिसाब से, सिंपल है, पॉजिटिव के हिसाब से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, पॉजिटिव के हिसाब से हम परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब निकाल लेते हैं, बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ में नेगेटिव है वो हम नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये हो गया x,
कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 5, ये बन गया 13, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, करके देख लेना पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 बनता है 169, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 12। तो सिंस एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर कॉस एक्स क्या बन गया माइनस, कॉस एक्स तो है ही हमारे पास, साइन एक्स बन जाएगा माइनस 12 अपॉन 13, और किसकी रिक्वायरमेंट है, सेक एक्स तो पॉजिटिव ही रहना है, 13 अपॉन 5। नेक्स्ट हो गया टेन एक्स, टेन एक्स का मतलब हो गया माइनस 12 अपॉन 5, एंड कोसेक एक्स साइन का रेसिप्रोकल माइनस 13 अपॉन 12, ठीक है, मतलब पॉजिटिव के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू निकाल लो पॉजिटिव के हिसाब से, एंड उनकी वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, उनकी वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन कॉस सेक कोसेक टेन जिसकी भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल करके उसमें माइनस लगा लेंगे अगर नेगेटिव है तो, अदरवाइज प्लस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इन सब की वैल्यू को मैं यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें मैं इसको पुट कर रहा हूँ, तो बन जाएगा देयरफॉर 13 साइन एक्स प्लस 5 सेक एक्स डिवाइडेड बाय 5 टेन एक्स प्लस 6 कोसेक एक्स, ठीक है। तो बन गया 13 इंटू माइनस 12 अपॉन 13 5 sec x, मतलब प्लस 5 इंटू 13 अपॉन 5 tan x, 5 इंटू माइनस 12 अपॉन 5 प्लस 6 cosec x, 6 इंटू माइनस 13 अपॉन 12। ये देखो 13 कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया, 6 टू जा 12, ठीक है। तो क्या बना, 13 माइनस 12 मतलब 1, और माइनस 12 माइनस 13 बाय 2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास हो गया 1 अपॉन माइनस 24 माइनस 13 बाय 2, तो ओवरऑल क्या बना, देखो 24 और 13 बनेगा 37, तो बन गया माइनस 2 अपॉन 37, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 12 बाय 13, सेक पॉजिटिव है, तो इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एलसीएम लिया, हमारा आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन 37, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना है sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो लेट e इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 4, मैंने इस साइड लेके आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि e greater than or equal to 0, चलेगा, ये 4 को मैं इधर ले आया। अब इसका LCM लेते हैं, तो क्या बनेगा, 1 upon cos square x 1 upon sin square x minus 4, तो LCM में क्या बना, sin square x into cos square x, यहां बन गया sin square x
plus cos square x minus 4 sin square x cos square x, ठीक है, minus 4 sin square x cos square x, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बनने वाला है, ये sin square x plus cos square x minus 4 sin square x into cos square x, तो हमारे पास बन जाएगा sin square x plus cos square x हो जाएगा 1 minus 4 sin square x cos square x upon sin square x into cos square x, ठीक है। इस 1 को मैं दोबारा अगर ऐसा लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, sin square x plus cos square x का whole square minus 4 sin square x into cos square x, ठीक है, बात तो वही है, 1 की जगह मैंने क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, बात तो वही है, डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x, ठीक है। तो a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या बनता है, a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab ये बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से ये क्या बन गया, हमारा बन गया sin square x माइनस cos square x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x, this value is always greater than or equal to 0, ऊपर perfect square, नीचे भी square है, तो overall value या तो 0 के equal होगी या 0 से बड़ी, ठीक है। तो मतलब इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा बन गया sin square x plus cosec square x greater than or equal to 4, ये हमारा proof, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Prove that tan x plus cot x can never be equal to 3 by 2, ठीक है। यहाँ पर मैं एक concept थोड़ा सा ले रहा हूँ, तुम लोगों ने पहले arithmetic progression 10th class में पढ़ा हुआ है, तो let a and b be two numbers, तो arithmetic mean हमारा बनता है a plus b by 2 and geometric mean हमारा बनता है root over ab, जहां पर arithmetic mean greater than or equal to geometric mean होता है। ये as a shortcut करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका use करने से question ज्यादा easy तरीके से हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी जब तक तुम लोग का UT होगा या जो चीजें होंगी तब तक हमारा आगे के topics हो जाएंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस method से भी question किए जा सकते हैं, am greater than or equal to gm, तो अब इसके हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा am equal to tan x plus cot x divided by 2, gm equal to बन गया root over tan x into cot x, ठीक है, root over tan x into cot x, am greater than or equal to gm मतलब tan x plus cot x upon 2 greater than or equal to, यहाँ पर gm क्या बन गया 1, तो therefore tan x plus cot x this is always greater than or equal to, तो क्योंकि ये वाली value हमेशा 2 से बड़ी होगी, तो इसलिए 3 by 2 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का है अगला क्वेश्चन भी, एएम और जीएम से रिलेटेड है, क्योंकि इससे जल्दी आंसर आता है तो हम बाकी दूसरे मेथड से करके अपने को सिंप्लीफाई करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन टू। ठीक है, sec square x plus cos square x can never be less than 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा sec square x plus cos square x हमारा था, ठीक है, can never be less than 2, मतलब क्या बन गया हमारा, arithmetic mean equal to sec square x plus cos square x divided by 2, ज्योमेट्रिक मीन हमारा बन गया रूट ओवर sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो गया 1। इसको कब लगाएंगे, देखो इनका प्रोडक्ट बन रहा है 1, ठीक है, पिछले वाले tan और cot में भी प्रोडक्ट बन गया 1, sec और cosec, sec और cos इसमें भी प्रोडक्ट बन गया 1, तो इसलिए am greater than or equal to gm करने से आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो बना am greater than or equal to gm, मतलब sec square x plus cos square x divided by 2 greater than or equal to 1, मतलब जो रिजल्ट हमने लाना था sec square x plus cos square x greater than or equal to 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।